बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूवर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है मल्टीपल सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए इनपुट रखी हुई है, 6 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक इनपुट है। यहाँ पर हमने डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर यूज किया हुआ है जो हमारे 6 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट इनपुट को आगे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने मैक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है 8 मेगा 3 to 8। इसके बाद यहाँ पर हमने नेक्सन का HMI डिस्प्ले यूज किया हुआ है 5 इंच का। तो यहाँ पर हमारे टोटल सेंसर की मॉनिटरिंग डाटा जो होगा वो HMI के ऊपर डिस्प्ले होगा। और इस साथ ही हमने यहाँ पे 232 की पोर्ट यूज की हुई है जो कि हमारा कंप्यूटर पे SQL पे डाटा स्टोर होगा, वर्ड पैड में कंप्यूटर पे भी स्टोर होता रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो सेंसर यूज किए हुए हैं, सबसे पहले हमने K-टाइप थर्मोकपल यूज किए हुए हैं 5 टेम्परेचर रीड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने यूनिटी के 2 सेंसर यूज किए हुए हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। इस सेंसर में जो सेंसर यूज हो रहा होता है SHT-20 सेंसर होता है जो कि हमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हमने 2 यूज किए हुए हैं। ये बेसिकली I2C प्रोटोकॉल पे है। तो I2C प्रोटोकॉल को रीड करने के लिए इस मैक्रो कंट्रोलर के अंदर 1 पोर्ट ही होती है I2C की। तो उसके लिए हमने I2C एक्सटेंडर का एक मॉड्यूल यूज किया हुआ है TCA9548A। इसके साथ हमने ये 2 सेंसर यूज किए हुए हैं यूनिटी के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने एक फ्लो सेंसर यूज किया हुआ है वाटर का फ्लो रीड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने एक वाटर सेंसर यूज किया हुआ है वाटर लेवल रीड करने के लिए। तो चलिए अब सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेज पे लॉगो आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा डाटा शो हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 K-टाइप थर्मोकपल का डाटा डिस्प्ले हो रहा है, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 4 और टेम्परेचर 5। इसके बाद जो हमने यूनिटी के सेंसर यूज किए हुए हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए, तो ये एक सेंसर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो हो रहा है और ये दूसरे सेंसर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो हो रहा है। इसके बाद ये वाटर फ्लो का डाटा डिस्प्ले हो रहा है और इसके साथ ही वाटर लेवल का डाटा डिस्प्ले हो रहा है। जब तक वाटर फिल नहीं होता है तब तक इसके ऊपर सर्चिंग आ रहा होता है, और जैसे ही वाटर हमारा फिल हो जाता है टैंक के अंदर, उस कंडीशन के ऊपर ये वाला जो सेंसर है ये यहाँ पे यानी कि क्लोज मोड में चला जाता है और यहाँ पर HMI के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है डिटेक्टेड, यानी कि वाटर डिटेक्ट हो गया हुआ है। तो ये इंडिकेट कर देता है और ये सारा डाटा हमारे कंप्यूटर पे भी स्टोर हो रहा होता है टाइम और डेट वाइज। तो अभी हम वाटर फ्लो को भी टेस्ट कर लेते हैं। वाटर फ्लो में हम यहाँ से वाटर इन करेंगे और यहाँ से वाटर आउट होगा, तो जो भी इसका वाटर का फ्लो रेट है 1 लीटर पर मिनट से लेके 25 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसने डाटा डिस्प्ले करना है हमें। तो यहाँ से हम इसको फूंक मार के अभी टेस्ट कर लेते हैं जो हमारा यहाँ पे फ्लो रेट शो हो जाएगा। तो जैसा कि ये फ्लो रेट हमें डिस्प्ले हो गया हुआ है, सारे टेम्परेचर सेंसर ऑलमोस्ट सेम ही टेम्परेचर बता रहे हैं। तो जैसा कि ये K-टाइप थर्मोकपल 18, 19 और 20 टेम्परेचर बता रहा है, इसी तरह ही जो यूनिटी के सेंसर हैं ये टेम्परेचर बता रहे हैं 18। अब हम यहाँ पे K-टाइप थर्मोकपल पे टेम्परेचर दे के टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि ये हमारा फर्स्ट वाला टेम्परेचर सेंसर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो यहां से हम पहले फिफ्थ वाले टेम्परेचर सेंसर पे टेम्परेचर देंगे। तो जैसे हमने फिफ्थ वाले टेम्परेचर सेंसर पे टेम्परेचर देना शुरू किया है तो फिफ्थ वाले टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गई हुई है। अब इसी तरह ही हम फोर्थ वाले पे टेम्परेचर देंगे तो फोर्थ वाले टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो गई हुई है। इसी तरह ही थर्ड वाले पे देंगे और इसी तरह ही सेकंड वाले पे देंगे तो सेकंड वाले की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह हम फर्स्ट वाले को दे रहे हैं तो फर्स्ट वाले की वैल्यू भी इंक्रीज होगी हुई है। तो अब हम यहाँ से जो ये यूनिटी के सेंसर हैं इन पे भी हम टेम्परेचर दे के टेस्ट कर लेते हैं, इनकी भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि ये दोनों सेंसर हमारे यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएबल में वेरिएशन आना शुरू हो गई हुई है। अब हम ह्यूमिडिटी बूस्टर से ह्यूमिडिटी बूस्ट करके भी टेस्ट कर लेते हैं।
तो ये टू वाले सेंसर की ह्यूमिडिटी बूस्ट होना शुरू हो गई हुई है। अब इसी तरह ही हम फर्स्ट वाले सेंसर पे भी ह्यूमिडिटी देके टेस्ट कर लेते हैं। वाटर लेवल सेंसर है, इसको भी हम नीचे की तरफ करते हैं। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है, जैसे ही ये बॉल जो है वो नीचे को जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पे वाटर लेवल पे सर्चिंग आ रहा होता है, और जैसे ही ये वाटर फिल यानी कि लेवल फिल होना शुरू हो जाता है तो ये बॉल ऊपर जाता है। तो ये मैग्नेट रीड सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही वो मैग्नेट बॉल है वो मैग्नेट को अप करती है, लिफ्ट करती है, तो उस कंडीशन के ऊपर मैग्नेट को रीड कर लेता है सेंसर। तो और साथ ही यहाँ पे LCD के ऊपर डिटेक्टेड लिखा हुआ आ जाता है। चलिए अब आपको यहाँ से जो हमने RS-232 की आउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे डाटा स्टोर करने के लिए यूज की है इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे हमारा जो डाटा स्टोर हो रहा है, सबसे पहले टाइम, इसके बाद के टाइप थर्मोकपल के टेम्परेचर सेंसर 1 का डाटा स्टोर हो रहा है, इसी तरह ही टेम्परेचर सेंसर 2, इसी तरह ही टेम्परेचर सेंसर 3, 4 और 5। इसके बाद जो हमने यूनिटी के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर यूज किए हुए हैं SHT-20, फर्स्ट वाले सेंसर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू है, इसी तरह ही सेकंड वाले सेंसर के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो किया हुआ है, इसी तरह ही वाटर फ्लो का डाटा स्टोर किया हुआ है, इसी तरह ही वाटर लेवल का डाटा स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर अभी हमारी 222 रोज स्टोर होगी हुई है। तो यहाँ से हम स्क्रोल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टाइम वाइज हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता जा रहा है। तो जो भी डाटा में चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग यहाँ पे टाइम वाइज स्टोर होती जा रही है। तो यहाँ पर हमने 3 सेकंड का डिले दिया हुआ है, 3 सेकंड के डिले पे डाटा हमारा स्टोर हो रहा है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट मल्टीपल सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम।